फाइल्स में आपका स्वागत करती हूँ। चीन और नेपाल से सीमा विवाद के कारण तनाव के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काफी लोग नजर आ रहे हैं, लोगों की भीड़ सड़क पर आंदोलन कर रही है, ऐसा इस वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो के साथ जो मैसेज वायरल हो रहा है, उस मैसेज के मुताबिक यह वीडियो नेपाल का है और नेपाल के लोग अपने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैसेज में नेपाली लोगों को धन्यवाद भी दिया गया है और ऐसा भी लिखा गया है कि नेपाल और भारत का भाईचारा ऐसा ही सदा बना रहे। हमने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया। कीवर्ड सर्च के माध्यम से हमें यह वीडियो YouTube के किनेमा टीवी नाम के चैनल पर मिला। यह वीडियो 11 जून 2020 को पोस्ट किया गया था। इस वीडियो के साथ जो टाइटल है, उस टाइटल में भी यही लिखा है कि नेपाल के लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन किया। कीवर्ड सर्च के माध्यम से अधिक जांच पड़ताल करने पर हमें इस वीडियो के संबंध में बहुत सारे न्यूज आर्टिकल मिले। उसमें से एक न्यूज आर्टिकल जून 12 2020 को पब्लिश किया हुआ था। उस आर्टिकल में भी यही लिखा था कि नेपाल के लोग सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकामयाब रही। हमें एक और न्यूज आर्टिकल मिला जो 11 जून 2020 को पब्लिश किया गया था। उस न्यूज आर्टिकल के मुताबिक बहुत सारे लोगों का समूह आंदोलन करते हुए काठमांडू में प्रधानमंत्री के निवास की ओर बढ़ रहा है। उस आर्टिकल में यह भी लिखा था कि उस समूह को रोकने के लिए नेपाल की पुलिस ने वाटर कैनन्स और बैटन्स का इस्तेमाल किया है। हमने इस आंदोलन की तस्वीरें फेसबुक पर भी देखी। इससे यही साबित होता है कि यह वीडियो नेपाल का जरूर है, पर इस वीडियो के साथ जो दावा है वह गलत है। और अधिक फेक न्यूज जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट factcrescendo.com को विजिट कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।